हेलो साथियों, मैं पवन मिश्रा एक बार फिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री गोपाल ज्ञान पर स्वागत करता हूं। और मैं आज आपके लिए कर आया हूं क्लास 10th की साइंस का एक और नया टॉपिक, जिसको आज हम अच्छे प्रकार से समझ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एथिल एल्कोहल। आज हम सीखेंगे कि एथिल एल्कोहल को कैसे बनाया जाता है, इसका अण सूत्र क्या है, इसका संरचना सूत्र क्या है, इसके बनाने की विधि क्या है, और इसके भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो आइए आज हम सीखने की कोशिश करते हैं, और इससे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एथिल एल्कोहल क्या है, सबसे पहले इसका अण सूत्र क्या होता है। इसका जो अण सूत्र है इसमें दो कार्बन होते हैं, छह हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। दो कार्बन, छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो इसका जो अणुसूत्र हो गया C2H6O, ये इसका अणुसूत्र हो गया। संरचना सूत्र की हम बात करें, इसका संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH, ये इसका संरचना सूत्र हो गया। इसके संरचना सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लू। देखो यहाँ पे दो कार्बन, तीन दो पांच और छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो ये भी इसका संरचना सूत्र हो गया, ये भी इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। अब हम देखेंगे इसका IUPAC नाम, क्या देखेंगे, IUPAC नाम। तो देखते हैं कार्बन कितने हैं, दो कार्बन है, तो दो कार्बन का होता है क्या, एथ होता है। एथ कोई बंध समझ में ना आए तो कैसा बंध माना जाता है, एकल बंध। कैसा बंध माना जाता है, एकल बंध। एथ प्लस एन, और यहाँ पे ये OH क्या है, क्रियात्मक समूह, इसका क्या होता है और, तो इसका नाम क्या हो गया, IUPAC नाम क्या हो गया, एथिनॉल, ये इसका IUPAC नाम हो गया। अब हम सीखेंगे इसको बनाते कैसे हैं, तो बनाने की विधि, इसकी दो विधि हैं, एक है एथिल ब्रोमाइड से, किससे बनाते हैं, एथिल ब्रोमाइड से। एथिल क्या है, ये एल्किल समूह होता है, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, एल्किल होता है। अब एथ का मतलब कितने कार्बन, दो कार्बन, अब इसका दो का एल्किन बनाओ, दो कार्बन है तो इसका एल्किन बनाओ, जैसे हमने बोला है एथिल, क्या बोला है, एथिल बोला है। अब इसमें क्या इल आ रहा है, इल का मतलब ये कौन सा समूह हो गया, एल्किल समूह हो गया। अभी एल्किल समूह है तो एल्किल समूह हम बनाते कैसे, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दो तो एल्किल बन जाता है। अब ये देखो अब इसका सूत्र क्या होगा वो समझो, एथ, एथ का मतलब कितने कार्बन है, दो, कितने कार्बन है, दो कार्बन, तो इसको पहले एल्किन बना लो, दो कार्बन है तो यहाँ पे एल्किन क्या होगा, इसका मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होंगे इसके दो गुने से दो ज्यादा, इसका दो गुना करो फिर इसमें कितने जुड़े, दो, तो यानी हाइड्रोजन कितने होंगे, छह। अब यहां से ये एल्किन बन गया, अब इससे क्या करो, एक एच को हटा दो तो C2H5, ये क्या हो गया, एथिल, क्या हो गया, ये एथिल। तो एथिल, अब ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, VR, क्या जोड़ देंगे, VR, तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड। तो जब, अब बनाने की विधि क्या है, पहली एथिल ब्रोमाइड, तो क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय की OH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तब एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH या KOH या NaOH से करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए तो एथिल ब्रोमाइड का हमने सूत्र क्या बताया, C2H5VR, C2H5VR, इसकी क्रिया किससे करा दो, चाहे NaOH से ले लो चाहे KOH से, किसी से भी ले लो, तो ले लो NaOH से ले लो। ये कैसा है, जली है, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल एल्कोहल, तो हमें जो प्राप्त हो रहा है उसको ही बना दो, क्या प्राप्त हो रहा है, एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, समझना, C2H5OH। तो ये आपको बनाने की विधि याद रखनी है, क्या है, जब एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जलीय KOH या NaOH से करती है तब एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है,
तो हमने ले लिया एथिल ब्रोमाइड, इसकी क्रिया चाहे KOH से करा दो चाहे NaOH से करा दो, हमने करा दी NaOH से। अब बन क्या रहा है, बन रहा है एथिल अल्कोहल, तो जो बन रहा है उसको बना दो पहले, क्या बन गया C2H5OH, ये क्या है एथिल अल्कोहल, क्या है ये एथिल अल्कोहल, ये बन गया। अब देख लो क्या बचा, क्या क्या बचा, C2H5OH है, मतलब यहां से क्या निकला होगा, यहां से निकला होगा C2H5 और यहां से क्या निकला होगा OH, तभी तो ये बना है। देखो अगर इसको हम ऐसा लिखना चाहें, जैसे हम इसको इससे क्या निकला C2H5, इससे निकला OH, तो तभी तो ये बना है C2H5OH। अब यहां पे क्या बचा, Na बचा और Vr बचा, क्या बचा Na बचा और Vr बचा, तो क्या बन जाएगा, अब जो बचा है वही बन जाएगा Na Vr, ये क्या हो गया सोडियम Br। अगर किसी भी फॉर्मूले के अंत में Br है तो वो क्या होता है ब्रोमाइड होता है, क्या होता है ब्रोमाइड, तो क्या हो गया सोडियम ब्रोमाइड। तो याद रखना जो बनना हो, बनाने की विधि में जो बन रहा हो उसको बना दीजिएगा, और जो बचेगा फिर उन दोनों की आपस में रिएक्शन करा दो। तो बन क्या रहा था एथिल अल्कोहल, बना दिया। अब यहां से बनेगा कैसे, यहां से C2H5 निकलेगा और यहां से OH निकलेगा, तभी तो बनेगा क्योंकि फॉर्मूला C2H5OH है। अब यहां पे बचा Na, यहां बचा Br, तो ये दोनों मिल जाएंगे, बन जाएगा NaBr सोडियम ब्रोमाइड। दूसरी विधि एथिल एसीटेट से, किससे बनानी है एथिल एसीटेट से। एसीटेट समूह का सूत्र क्या हो, एसीटेट यहां पे ये जो एसीटेट लिखा है ये एक समूह को प्रदर्शित करता है, ग्रुप को, किसको प्रदर्शित करता है ग्रुप को। इसका जो फॉर्मूला होता है एसीटेट का CH3COO, ये एसीटेट समूह का सूत्र होता है CH3COO, ये एसीटेट समूह है। अब बना क्या, यहां पे लिखा एथिल एसीटेट, हमें क्या बनाना है एथिल एसीटेट बनाना है, तो एसीटेट का सूत्र ये हो गया और एथिल का सूत्र होता है C2H5, तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे C2H5 और जोड़ देंगे। अब ये क्या बन गया एथिल एसीटेट, क्या बन गया एथिल एसीटेट। क्या है बनाने की विधि, एथिल एसीटेट की क्रिया, जब एथिल एसीटेट की क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, जब एथिल एसीटेट की क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल से कराते हैं, किससे कराते हैं जल से कराते हैं, तब एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। जब एथिल एसीटेट की क्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल से कराते हैं तब एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। देखिए तो एथिल एसीटेट का सूत्र हमने क्या बताया CH3COO C2H5 प्लस किससे करा रहे जल से, अब किसकी उपस्थिति में अम्ल या क्षार की उपस्थिति में, तो जो बन रहा है पहले उसको बना दो, क्या बनना है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल को बना दो C2H5OH। अब देखो ये कैसे बनेगा, यहां से निकलेगा C2H5, अगर हम जल को लिखना चाहें जल को कैसे लिख सकते हैं HOH, क्या लिख सकते हैं HOH, तो यहां से क्या निकलेगा OH। अब देखो यहां पे C2H5OH है, ये एथिल अल्कोहल, ये क्या है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल है ये। अब यहां पे एथिल अल्कोहल में क्या है C2H5 है एक समूह और एक क्या है OH, ये दो समूह है यहां पे, तो एक तो यहां पे C2H5 मिल गया, अब दूसरा किससे मिलेगा जल से OH। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे C2H5OH बना लेंगे। अब यहां पे क्या बचा H, क्या बचा यहां पे बचा H, क्या बचा H, और ये H यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है, क्या है ये एसिटिक अम्ल, ये है एसिटिक अम्ल, ये बन गया। तो जो बनाना हो, जो बन रहा हो, अब क्रिया में जो बन रहा हो उसको पहले बना दीजिएगा और जो बचेगा उसको आपस में, यहाँ पे C2H5OH बन रहा था तो यहां से निकलेगा C2H5 और यहां से एक निकलेगा OH, तो दोनों मिलकर बना लेंगे C2H5OH। यहाँ पे बच्चा CH3COO, यहाँ पे बच्चा H, तो क्या बन जाएगा CH3COOH एसिटिक अम्ल। तो ये पेपर में क्वेश्चन आता है क्या कि एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये पेपर में आता है कैसे प्राप्त करेंगे में क्वेश्चन आता है कि एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ऐसे प्राप्त करेंगे। ठीक है,
ये भी आता है एथिल एसिटेट से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो दोनों की यही तो विधि, देखो इस क्रिया में एथिल एल्कोहल भी बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है एसिटिक अम्ल भी बन रहा है। एथिल ब्रोमाइड से एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल, तो कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ब्रोमाइड की क्रिया जली QH या NOH से करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा एथिल एल्कोहल, और एथिल एसिटेट की क्रिया अम्लीय क्षार की उपस्थिति में जल से करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा एथिल एल्कोहल, साथ में एसिटिक अम्ल भी प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन कई बार आया कि एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताओ, तो क्या होता है एथेनॉल होता है, संरचना सूत्र C2H5OH या ऐसे भी लिख लो। अब देखो इसके भौतिक गुण क्या देखेंगे, भौतिक गुण ये भी पेपर में आते हैं कि एथिल एल्कोहल के दो या तीन भौतिक गुण को लिखिए, तो पहला भौतिक गुण यह एक रंगहीन द्रव है, कैसा द्रव है यह एक रंगहीन द्रव है, दूसरा यह एक मीठी गंध वाला द्रव है, इसकी जो गंध होती है वो मीठी होती है तो यह एक मीठी गंध वाला द्रव है, दूसरा इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक का मतलब ये होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, क्या होने लगता है वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उस ताप को हम क्या कहते हैं क्वथनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, तो इसका क्वथनांक कितना होता है 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखना पेपर में आ सकता है कि एथिल एल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, ठीक है, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, ये भी आ सकता है कि एथिल एल्कोहल कमरे के ताप पर होता है किस अवस्था में होता है, तो एथिल एल्कोहल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, दूसरा यह वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है, ये भी पूछ सकता है कि एथिल एल्कोहल वायु में किस ज्वाला के साथ जलता है, तो यह वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है, तो ये सरल भौतिक गुण है, ये चार आएंगे तो आपको चार लिखने को आते हैं, तो यहाँ पे पांच है तो कोई भी चार लिख दें, क्या यह एक रंगीन द्रव है या एक मीठी गंध वाला द्रव है, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है, यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, यह वायु में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलता है। आज हमने क्या सीखा कि एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है, संरचना सूत्र है, इसको बनाते कैसे, इसके भौतिक गुण क्या है, अगले वीडियो में हम देख रहे होंगे इसके रासायनिक गुण, क्या देख रहे होंगे इसके रासायनिक गुण। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यह आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जो हम पढ़ा रहे हैं वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इससे वो अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छी कर सकते हैं। थैंक यू।